भरी चुटपटा घाम ये देखो पीछे, और बिल्कुल भी धूप में जाने का मेरे को ये आने वाला है, बने रहना मेरे साथ, क्योंकि ना अब गर्मी होने लग गई है तो हवा खाने के लिए आई थी। और बाकी तो ना यहाँ पे कभी कभी दिन काटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे ना आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन में 12:30 बजे से, और अभी मैं ऊपर छत से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। मैं आ रखी थी यहाँ पे सासू जी के कपड़े डालने के लिए, और साथ ही जो सुबह के सूखे हुए कपड़े हैं उन्हें नीचे ले जाने के लिए। और बाकी दोस्तों बहुत ही तेज़ धूप लगी हुई है, भरी चुटपटा घाम ये देखो पीछे, और बिल्कुल भी धूप में जाने का मन नहीं कर रहा है। बाकी ना दोस्तों आगे आगे जो जो होता रहेगा आपको दिखाती रहूँगी, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है मेरे पास, नीचे जाऊँगी। और सासू जी ने अभी नाश्ता नहीं किया है, नाश्ता मतलब दिन का भी हो जाएगा उनका और सुबह का भी। तो चलिए जी नीचे चलते हैं, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है पर धूप भी इतनी तेज़ लग रही है कि हवा का तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। तो चलिए जी तो दोस्तों अभी मैं किचन में आ गई हूँ, और पहले सासू जी को भोजन करवाते हैं फिर आगे करेंगे काम। तो अभी ना सासू जी को नाश्ता देने के बाद मैं अब अपने लिए बनाने लग गई हूँ रसना। तो आजकल ना गर्मी आने लग गई तो पानी पीने का मन कर रहा है, तो ये रसना के पैकेट रखे हुए थे घर पे, तो वो ये नींबू वाला रसना था, तो मैंने इसको बना लिया और मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू और काला नमक भी डाल दिया, और उसके बाद इतना टेस्टी हो रहा था कि मज़ा ही आ गया। और थोड़ी देर टीवी देखूँगी क्योंकि आज खाना भी क्या ही बनाना है दिन का, क्योंकि सासू जी ने अभी खाया है 1 बजने वाले हैं, और मैंने तो क्या ही बनाना है अपने लिए, मेरा तो मन भी नहीं करता वैसे दिन में खाने का। देव जी भी सो रखे हैं तो जो शाम तक उठेंगे, और फिर जब वो उठेंगे तब उनके साथ ही पराठे वगैरह बना लूँगी उनके लिए, और फिर देखते हैं। अभी फ़िलहाल पिक्चर देखती हूँ मैं, कोई मूवी आ रही होगी, थोड़ा एनर्जी आ गई। तो दोस्तों अभी टाइम 4:30 हो गया है, और थोड़ी देर टीवी देखने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे में, और बाकी अब पति देव जी के लिए बनाते हैं खाना, क्योंकि दिन में मैंने कुछ नहीं बनाया था, सासू जी ने भी जल्दी देर से ही खाया था, तो फिर मैंने अपने लिए भी नहीं बनाया, तो अब मैं इनके लिए थोड़ा रोटी बना लेती हूँ, बाकी सब्जी तो है ही सुबह की पड़ी हुई है, और फिर उसके बाद पियेंगे चाय। और हमारे गोल्डी जी आ रखे हैं, और इनको जाना था पार्क, ये मेरे को कब से फ़ोन कर रहा था कि चाची पार्क जाएंगे, पर आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो मैं जा नहीं पाऊँगी इनके साथ, पर मैंने इनका जुगाड़ कर दिया है, ऊपर दीदी लोग जाते हैं तो उनके साथ चला जाएगा ही, उसकी मम्मी भी चली जाएगी। और बाकी चलिए जी अब किचन में चलती हूँ। किचन में आ गई हूँ, और अब मैं सोच रही हूँ कि अभी से क्यों ना मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दूँ रात का, क्योंकि सासू जी भी चले गए हैं पार्क, और ये भी चले गए हैं ड्यूटी, बाकी दीदी आई थी तो वो भी चली गई है गोल्डी को लेके पार्क, तो अब मैं रह गई हूँ घर में अकेली, तो मुझे आ रही है बोरियत, तो क्यों ना मैंने सोचा कि अभी से खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30, वैसे हम 6:30 बजे से खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, पर अकेले भी क्या ही करूँ मैं घर में, तो उससे बढ़िया मैं अभी से खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। दोस्तों आज के खाने में मैं बना रही हूँ आलू बड़ी की सब्ज़ी, ये है न्यूट्रेला, और ये मिनी चंक्स होती है, छोटी छोटी बड़ी होती है ये वाली, तो हम यही लाते हैं यहाँ पे, और गांव में हम बड़ी बड़ी वाली बड़ा लाते थे, मतलब बड़ी वो फूल की इतनी बड़ी हो जाए, वो इतनी सी रहती थी और फूल ही इतनी बड़ी हो जाती थी, पर ये वाली तो फूलती नहीं है ज़्यादा, ये देखिए। तो सबसे पहले मैं इनको भिगा दूँगी।
भी चढ़ा दी है और अब मैं आटा गूंथ के रख देती हूँ। बाकी अभी थोड़ी देर में कोई आने वाला है, बने रहना मेरे साथ, आपसे भी मिलवाऊंगी। बर्तन ही धो रही थी तब तक कोई आ गया है, कौन आया है वो आपको दिखाती हूँ मैं। तो मैंने आपको बताया था ना कोई आने वाला है, तो चलते हैं इधर और मिलवाते हैं। ये देखिए गाइस, ये दो तीन दिन से कहीं गायब थे, पर इधर ध्यान नहीं दे रहे। हेलो दीदी, आ गए आप? कोई, मैं आपको बोल रही थी कि कोई आने वाला है, तो वो थी दीदी, मायके गई थी, परसों गई थी और आज आ गई है। तो दीदी चली गई है अपने कमरे में अपना सामान रखने के लिए, और बाकी मैं यहाँ पे, ये देखिए, बाकी यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं तय करने के लिए, उनको तय करती हूँ। और उसके बाद बहुत काम है यार गाइस, पर 6:30 बजे तक मैंने खाना फिट फोर कर दिया है, तो पहले तय करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ, चलती हूँ ऊपर छत में जा पाऊँगी तो। तो दोस्तों अभी टाइम 9:15 हो रहा है और खाना खा पी के आ गई मैं ऊपर छत में घूमने के लिए। आजकल दो तीन दिन से मैं रोज़ आती हूँ खाना खा पी के ऊपर छत में, और क्योंकि ना अब गर्मी होने लग गई है तो हवा खाने के लिए आई थी। और बाकी इधर तो अंधेरा ही होगा क्योंकि हमने इधर लाइट नहीं लगा रखी है, उधर ही उधर साइड में है लाइट। और सबसे ऊपर वाली छत में चलती हूँ मैं और वहाँ से दिखाती हूँ आपको यहाँ का नज़ारा कैसा लग रहा है। तो अभी मैं सबसे ऊपर वाली छत में भी आ गई हूँ और यहाँ पे देखिए आपको चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा, क्योंकि यहाँ के लोग ना सिर्फ अपने तक सीमित रहते हैं, अंदर अंदर लाइट जली मिलेगी, बाहर एक भी लाइट नहीं है, जो गलियों में लगी हुई है वही लाइट है, बाकी सारा देखिए अंधेरा हो रखा है बाहर। और बाकी ना मौसम आज बादल से लगे हुए हैं, मुझे लग रहा है बारिश भी आ सकती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये देखिए अभी ना इधर घूमते घूमते थोड़ा मम्मी से भी बात कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी का फ़ोन आया था दिन में और मैं उठा नहीं पाई थी, तो मेरी मम्मी इंतज़ार कर रही होती है कि इसने फ़ोन क्यों नहीं किया होगा, क्यों नहीं किया होगा, तो पहले मैं मम्मी से बात कर लेती हूँ। तभी ना थोड़ी देर छत में घूमने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे, और यहाँ आके देखा तो सासू जी जा रखे हैं बाहर सब्जी लेने के लिए, तो उन्हीं का वेट हो रहा है, टाइम 10 बजने वाले हैं, 5 मिनट रह गए हैं और तक आए नहीं हूँ। तब बाकी जब आ जाएंगे तो फिर गेट भी खोलना पड़ता है ना, तो इसीलिए मैं भी यहीं पे बैठ गई हूँ और उसके बाद जाऊँगी अपने कमरे में। तो ना यहाँ पे कभी कभी दिन काटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे पहले से ही आदत है, बचपन से ही मैं गांव में ही पली बड़ी हूँ, तो मुझे यहाँ ना अंदर ही अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और बाकी पतिदेव जी की भी नाइट ड्यूटी रहती है, तो सुबह तो सोए रहते हैं, रात को ड्यूटी चले जाते हैं, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बाकी ना दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिए, और मैं ना बहुत मेहनत करती हूँ, कोशिश पूरी रहती है मेरी, पर हो नहीं पाता। आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं कि नहीं आते ये तो मुझे नहीं पता, पर फिर भी पूरी कोशिश रहती है मेरी, और मुझे ना आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। और बाकी आज के ब्लॉग को बस मैं इतना ही रखती हूँ, अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।